केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत हल्द्वानी में बीजेपी की तरफ से संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे पार्टी नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण के कारण ही आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दरअसल आज शहर में MBPG कॉलेज के सभागार में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट उपस्थित हुए। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का महाजनसंपर्क अभियान के वक्ता व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि इस सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता समेत आमजन की भागीदारी अहम है, जिसको साकार करने के लिए हम सब जुटे हुए हैं। जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। 2024 को लेकर ये पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस देश का मान बढ़े, इस देश का प्रगति विकास हो, इस नाते हम पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि जो हमने 9 वर्षों में हमने काम किया उन कामों के आधार पर दोबारा 2024 में दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोबारा देश की सत्ता में काबिज हो, इस नाते हम सभी लोग सभी मोर्चा से सभी पदाधिकारियों से आम जनता से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम सब लोग साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, देश प्रगति के पथ पर चलेगा।